मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, द मोमेंट व्हेन आई बिकेम योर बिगेस्ट फैन वाज दिस मोमेंट इन थ्री, जब क्लाइमैक्स सीन में वो होता है, मतलब अभी आप तो ऑब्वियसली बहुत सीरियस और ड्रामेटिक मोमेंट्स की बात कर रहे हो, वो टेक्निकली इट्स थ्री इज़ अ फनी फिल्म, या इट्स अ फनी फिल्म, और जो वाला सीन है जब आप फाइनली भूतनी के साथ फेस टू फेस होते हो, और वो जो आपने किया है उस 30 सेकंड के अंदर, मतलब इट इज़ फॉर मी लाइक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी फिल्म एनी मोमेंट रिकॉर्ड ऑन स्क्रीन बाय ना, कहने को सिंपल कैरेक्टर में उस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी लेके आना जो आपने उसके अंदर किया है, वो सर गजब है, मतलब Thank you, and that's an improvised scene. Is it? It is improvised. जो शाहरुख की तरह थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं। Yeah, correct. कि प्यार से देखो उसकी आँखों में, उसके बाद का काफी कुछ है improvised है। तो जब हम वो सीन कर रहे थे तो they discuss होता है कि नहीं आप कुछ मत दिखाओ, let's go with the flow. तो मुझे वो in the moment ही आया था, जैसे the moment she said कि उसकी आँखों में प्यार से देखो, तो मेरे जो बचपन के इतने सालों का जो प्यार है शाहरुख सर के लिए, और जैसे हम रोमांस बोलते हैं तो एक ही नाम आता है दिमाग में, रोमांस मीन्स शाहरुख खान, रोमांस मीन्स दिस।